अब देखते हैं कितने का फटका डालते हैं हमें। हाँ तो क्यू टीम आ चुके हैं। वो रॉन्ग साइड में गाड़ी घुस गई सिटी में, पुलिस वाले सामने से 13 साल वाला बच्चा हुआ, क्या कहते हैं उंगल दिखा के जा। भाईजान किधर जा रहे हैं? भाईजान आज मेरा मैकबुक ठीक कराने जा रहे हैं हम, तो अभी जम साइड आए हैं वेस्टफील्ड, उसके बाद ठीक कराएंगे। अब देखते हैं कितने का फटका डालते हैं हमें। चलो मैकबुक आ गया, ठीक कराएंगे। कहाँ आ गए हैं, क्या है ये आपके हाथ में? अच्छा, आज क्यूटी का गेड़ा मारने आ गए हैं गुज्जू के साथ। हाँ तो क्यूटी में आ चुके हैं। मेरा एक दोस्त है, नया नया आया है, उसको यूनिट में इनरोल करना है, इसलिए मैं क्यूटी आया हूँ। उसको लेके यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी शॉफी भी है, मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। मतलब भाई लोग कॉफ़ी पी ली है मैंने, मज़ा आ गया। हाँ गुज्जू, क्या प्लान है? हाँ तो भाई लोग, रात को मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ, पर देखूंगा क्या बार काला ही हूँ। बैटरी बोला नो बैटरी, बैटरी है तो है ये, पता नहीं GoPro क्या हुआ। अरे रात का व्यू देख लो ब्रिस्बेन सिटी का, होना वो हाँ होनी है। हाँ तो भाई लोग, काला में आ गए थे वापस घर, बड़ा कुछ सीन हो गया, 3-4 सीन हो गए, इसलिए हमने शूट नहीं किया। पर अभी हमारे गुज्जू महाराज एक्सप्लेन करेंगे, बताओ क्या हुआ। एक तो फाइन आया है, बहुत तगड़ा फाइन आया है। चलो पैसे की तो चिंता नहीं है, पैसे की तो चिंता नहीं होगी तुम्हें, तुम्हें तो पैसा ही पैसा है, चिंता तो हमें है वैसे की। वो दो पॉइंट स्टार्ट है, बता क्या किया तूने? वो रॉन्ग साइड में गाड़ी घुस गई सिटी में, पुलिस वाले सामने से आ गए, एक तो मेरा दिमाग का घन चक्कर इसने कर दिया था सुबह से, पक 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 पक। मेरी क्या गलती? इतनी तो कोई बंदी भी पक 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 नहीं करती। मेरी क्या गलती इसमें? पीछे बैठ के पक पक पक। तो यही देखो चलान पता कब आया, जैसे इसने मुझे गाड़ी से उतारा अगले बोर्ड पे उसका चलान आ गया। पनौती था? पनौती था नहीं, तुझे मैं बचा रहा था पनौती से, तेरा मैं शनि था, तुझे बचा रहा था, समझ रहा है? जैसे तूने मुझे उतारा वैसे तू वैसे अभी दो मोड़ कितने ये गया। और मैंने तुम लोगों को बोला ही कि उधर सिटी में जाने के लिए दवा लेने जाने के, बाहर से ले लेते दवा। हाँ तो वो भी नहीं मिली, और जो देखेंगे वो बोला उसने प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मैंने उसको पहले बोला मैंने नहीं मिलेगी प्रिस्क्रिप्शन लगती है इधर, यही बात है। फिर उसके बाद बताओ स्टोरी, ये मैं बताने जा रहा हूँ जब मैं गाड़ी चलाया था मैंने बताया नहीं, अब तू आ गया तो बता दो अब। फिर कौन सी, फिर पिज्जा वाली स्टोरी, खाना मिला नहीं हमें, उसको साथ में रखी लड़का
खाना तो मिला, मैंने सोचा था, हमने सोचा था क्या खाएंगे पहले, सबसे पहले मोमो का बना इंडियन फूड का बना, फिर आखिर में पिज्जा खाया। भाईजान ने कहा कि पिज्जा बहुत बढ़िया मिलता। भाई मैंने खाया था दो तीन साल पहले खाया था, तो बढ़िया। मेरे चाचा वही चला, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो उन्होंने 13 साल वाले बच्चे रख लिए वहाँ। 13 साल वाला बच्चा हुआ, क्या कहते हैं, उंगल दिखा के जा, वो नहीं दिखा रहा था उनके को, जो उसको लेने आया था उसकी माँ या उसका बाप आया था कोई लेने। अच्छा, वो उसकी माँ या बाप? उसने वो जब गया नहीं, जब हमने ऑर्डर किया ना, ठीक है, उसके बाद जब वो ऑर्डर करके ये सीन हो गया, उसको बताया गया ऐसे ऐसे सीन हो गया, फिर वो चल गया क्योंकि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी, वो चल गया, उसको लेने आया था, शायद वो रो रहा होगा गाड़ी में जाके, कुछ कर रहा होगा, उसने बताया होगा कि ये बंदे हैं, तो जाते जाते बोलो उंगली दिखा गया। अच्छा, मुझे लगा बच्चा दिखा के गया। बच्चा क्या उंगली दिखानी दे रहा था। फिर 7-Eleven में गए, पहले वो स्टोरी तो सिखा, हुआ क्या? पिज्जा मंगाया, पिज्जा गलत दे दिए, 2 बार पिज्जा मंगाया। पिज्जा मंगाया पहले 4, पहले तो एक हमने 3 वाली डील मंगी थी, उसने बच्चे ने एक पिज्जा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, फिर हमने बोला 56 का 77 कैसे हो गया, $20 एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा हमने जैसे चीज डलाया था या चिली फ्लेक्स डलाए थे या पेरी पेरी सॉस डलाया था, मतलब $20 कैसे हो गया एक्स्ट्रा। फिर मैं पूछते चल हो गया, वो 4 पिज्जा आ गए, फिर 4 पिज्जा में वो एक्स्ट्रा डला ही नहीं। फिर उसके बाद फिर गए बात करने, तो बोलते दोबारा बना देंगे, उसने बोला 4 बना देंगे। फिर बाद में सुपरवाइजर जो अंदर बना रहा था बोले 1 ही बना रहे हैं। मैंने ये क्या बात है, क्योंकि सारों में एक्स्ट्रा डलाया था पर किसी में भी एक्स्ट्रा नहीं था। फिर चलो करते करते उसने बनाया, चल फिर हमें 4 फ्री पिज्जा ही मिल गए। चलो पिज्जा तो मिल गए। फिर 7-Eleven में गए। 7-Eleven वाला सीन सुना। 7-Eleven में गए तो पेट्रोल का एक्सेस नहीं दिया, तो फिर कहते वो उधर लड़की काम कर रही थी, लड़ने लग गई, कहते तुम ड्राइवर सीट पे बैठे हो तो हम फ्यूल का एक्सेस नहीं देंगे। हाँ, मैं ड्राइवर सीट पे बैठा था, इसको बोला मैं गाड़ी तो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चलाना आ गया गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इसको बोला कि फ्यूल भर, तो उसने पता किया, उसने देखा कि कोई बैठा है ड्राइवर सीट पे और उसने देखा और एक्सेस नहीं दिया और चल गया अपना काम। गया हम भी चल गए, फिर मैंने क्या किया तुमने, एक्सेस क्यों नहीं दिया? बोले तुम गाड़ी में बैठे थे तो तुम ड्राइव ऑफ चल जाते। मैंने तुम्हें देख के लग रहा कि हम ड्राइव ऑफ हम चलो, वो भी लेकिन कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि भाई तुम एक्सेस नहीं दे सकते हो। हाँ, वो हमें बोल रही थी कि रूल है, मैंने हमें नहीं पता, हम सामने काम किया ये करता है अभी भी। हाँ, तो ये सीन है कि फिर लड़ाई हो गई लड़की के साथ। चलो हमने लड़ना तो नहीं था, फिर उसका एटीट्यूड ऐसा था, तो फिर क्या कहते बोलना पड़ा। हाँ, वो एटीट्यूड दिखा रही थी हमें बड़ा, जैसे बोलना पड़ता ऐसे तो ओनर भी नहीं दिखाते, तो फिर अभी कोई नहीं लिखा है मेल कंपनी में जिस तरह से बिहेव हुआ है। इधर आपको कोई भी ऐसा क्या कहते हैं फेस करना पड़ता है ना, कंपनी में मेल लिखो, कंप्लेन करो। हाँ, कंप्लेन हमने कर दी है, तो कंप्लेन कर दिए, देखते अभी क्या होता है उसका। फिर बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। हाँ, लेकिन ये एक फ़ायदा है कि हमने कंप्लेन कर दी है तो हमें 7-Eleven वाले वाउचर दे देंगे $40-50 का जो भी नहीं होता। कौन सा वाउचर देंगे, ऐसी क्या बात होगी? हाँ, 7-Eleven देते हैं वाउचर अगर आप ऐसा फेस करो ना कस्टमर सर्विस। तो ऐसे वाउचर दिया ना कि मुँह बंद करने के लिए। नहीं चलो, कोई भी हो तो डिजर्व करते ना, हम भी वो वाउचर क्यों नहीं डिजर्व करते, वो जिस तरह से उसका बिहेवियर था तो क्या करते थे। पर बड़ा बेकार दिन था, पहले इस हफ्ता ही खराब रहा है मैं तो बोलूं है। ये पता नहीं हफ्ता का तो खराब नहीं, लेकिन जिस दिन हमें जाना था ना वो कल, वो साला ये मेरे को समृद्ध मुँह दिखाया उठाने आया था। मैंने उसको मना किया था कि उठाने नहीं आना, मैं अलार्म लगाया है, मैं उठ जाऊँगा। मेरे को उठाने आया, इसका भी इसने मुंह देखा सबसे पहले इधर। मेरा तो भाई दमी नहीं खराब चल रहा है। तो ये सीन है कि भाई इधर ध्यान रखा करो कि भाई किसका मुंह देख रहे हो तुम इधर। मजाक कर रहे हैं ऐसे तुम है ऐसे बंदे कि तेरा शक्ल देखिए इसमें तो दिन नहीं खराब, क्यों वीक ही खराब है ब्रो। पिछले वीक वो जट्स की निकाले ने रोक लिया है, बड़ी मुश्किल से जट्स वहाँ डैम पे गए तो वहाँ पे लग गए, फिर उसके बाद यहाँ पे सीन हो गया। गाइस व्लॉग देखा करो, लेकिन व्लॉग देख के काला जादू मत करो। हाँ यार, कुछ नजर तो मत लगाओ हमें। इधर बहुत नजर लग रही है। चलो फिर भाई जन, बाय बाय बोल दे व्लॉग में। बाय बाय गाइस, हो गया, बाय बाय हो गई है। चलो फिर भाई लोग, यही था आज का व्लॉग। जैसे तुमने बताया ऐसा ऐसा सीन हो गया, फिर हमने शूट नहीं किया, तुम्हें स्टोरी बता दी क्या क्या था, 3-4 सीन हो गए। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और जय बोले।